दोस्तों आज बात करेंगे खाना खाते ही पेट फूल जाना, पेट में भारीपन हो जाना, पेट में दर्द होने लगना और इन सब समस्याओं के आसान घरेलू और आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। खाना खाने के बाद पेट फूलना, पेट में दर्द हो जाना, पेट में भारीपन हो जाना, सांस लेने में दिक्कत होना, ये सब बहुत आम समस्याएं हैं। एक रिसर्च के अनुसार 15-30% लोगों में खाना खाने के बाद ये समस्याएं आती हैं और बहुत ज़्यादा पेट फूलने से हमारी पाचन क्रिया पर भी असर पड़ता है। इन सब समस्याओं पर समय रहते ध्यान देना बेहद ज़रूरी है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुदरत ने हमको कुछ ऐसी चीज़ें दी हैं जिनके इस्तेमाल से हम बहुत आसानी से इन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इससे पहले जान लेते हैं कि आखिर पेट फूलना, पेट में अफारा आना, पेट में दर्द होना, इनका कारण क्या होता है। दोस्तों बहुत ज़्यादा पेट फूलना या गैस बनना, इनका एक कारण है आपकी गलत खान पान की आदतें। कई बार खाना पचने के दौरान भी गैस बनती है और कुछ लोगों के ज़्यादा गैस बन जाती है जिसके कारण भी पेट फूल जाता है। और अक्सर कुछ लोग खाना खाते समय बहुत ज़्यादा बात करते हैं जिसकी वजह से भी खाने के साथ उनके पेट में हवा चली जाती है और उससे भी पेट फूलने लगता है। बहुत ज़्यादा फाइबर वाला भोजन करना जैसे पत्ता गोभी, मटर की दाल, उड़द की दाल, इन चीज़ों से भी अक्सर पेट फूल जाता है। इससे बचने के लिए आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। खाने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, आराम से धीरे धीरे खाएं, तले भुने और बहुत चिकनाई वाली चीज़ें ना खाएं, खाने को एक समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लें और खाने के बाद कम से कम 10-15 मिनट टहलें। और दोस्तों अगर आपको पेट फूलने और गैस बनने की समस्या है तो खाना भूख लगने पर ही खाएं। दूसरी चीज़, बार बार खाने की आदतों से बचें। तो आइए अब जान लेते हैं कि ऐसी कौन सी घरेलू चीज़ें हैं और ऐसा कौन सा आयुर्वेदिक नुस्खा है जिससे हम पेट फूलना, पेट में भारीपन, पेट में दर्द होना, इन समस्याओं से आसानी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों पेट की समस्याओं से निपटने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपका पेट साफ रहे। अगर आपको कब्ज़ की समस्या है तो आप कभी भी पेट से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा नहीं पा सकते, इसलिए पेट को साफ करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप सोते समय 4-5 मुनक्के का इस्तेमाल करें और सुबह शाम 3-4 ग्राम त्रिफला पाउडर का इस्तेमाल करें। इसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपका पेट साफ होने लगेगा और आपकी गैस बनने की समस्या में आराम मिल जाएगा। अगर आपके पेट में खुश्की है तो आप इसबगोल की भूसी का इस्तेमाल रात में सोते समय दूध या गुनगुने पानी से कर सकते हैं, इससे भी आपका पेट साफ होने में मदद मिलती है। हाजमे को दुरुस्त करने के लिए, अपनी पाचन शक्ति को ठीक करने के लिए अजवाइन और ज़ीरा बराबर मात्रा में लेकर इसको भून लें और इसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाकर इसको खाने के बाद दिन में 2-3 बार इस्तेमाल करें। इससे भी पेट फूलने में, पेट के भारीपन में, बदहजमी में फ़ायदा मिलता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा तला भुना खाने से एसिडिटी की समस्या है तो आप खाने के बाद सौंफ और मिश्री का सुबह शाम इस्तेमाल करें और आप पेट फूलने की समस्या से छुटकारा पाएंगे। दोस्तों गुनगुना पानी पेट फूलने में, पेट के दर्द में, पेट के भारीपन में हमेशा आराम देता है। 1 कप गुनगुना पानी लेकर इसमें 1/2 चम्मच अदरक का रस मिलाएं और इसको चाय की तरह इस्तेमाल करें, इससे भी आपके पेट के फूलने में आराम मिलती है। अब बात करते हैं ऐसी आयुर्वेदिक दवा के बारे में जो पेट की समस्याओं के लिए ही बनी है और बहुत पुराने समय से इस्तेमाल हो रही है, और ये है दोस्तों झंडू पंचारिष्ट। दोस्तों इसके इस्तेमाल से बदहजमी, पेट में गैस बनना, पेट में भारीपन रहना, खाना हजम ना होना, इन सब समस्याओं में आराम मिलता है और ये बहुत पुराने समय से वैद्य और हकीमों द्वारा बताई जाती है। दोस्तों अगर आप ऊपर बताई गई बातों का ध्यान रखते हैं और इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत जल्द पेट फूलना, पेट में भारीपन, पेट दर्द होना, कब्ज़ होना और पेट की और भी समस्याओं से छुटकारा पा लेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इसको लाइक करें, इसको शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जानकारी और वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचें।